अगर आप भूल करके भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई करते हो तो कहीं ना कहीं गाइस वो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है कि आपका करियर कहाँ जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, क्या वो करियर सही होगा या नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपको सोचने की ज़रूरत है और जिसको आपको वर्क करने की ज़रूरत है। तो नमस्कार दोस्तों, करियर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पहली बार चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ये आपका ही चैनल है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और अच्छी चीज़ हम बता दें कि हम लोगों ने करियर काउंसलिंग सर्विसेज लॉन्च की है। करियर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया, एक बार जाकर के ज़रूर देखिए। गाइस अगर हम बात कर लें, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर पे बात करूँगा मैं कि बहुत सारे लोग आप लोगों में से हैं जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर के इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं। वो किसी भी ट्रेड से पढ़ाई कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, ब्ला ब्ला, बहुत सारे और भी सब ट्रेडेड हैं। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज बेकार हैं। ठीक है, क्योंकि देखो ऐसा पॉसिबिलिटी कभी नहीं है कि सब लोग गवर्नमेंट कॉलेज में सेलेक्ट हो जाए और सब लोग गवर्नमेंट कॉलेज में जाएं और सबका गवर्नमेंट कॉलेज में अच्छी रैंक आए तभी जा करके। लेकिन एक पॉसिबिलिटी है जो आप सही कर सकते हो। देखो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि भाई अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो, IIT में हो, NIT में हो, या अच्छी डीम्ड यूनिवर्सिटी में हो, या फिर अच्छी जो अपने स्टेट लेवल की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है वहाँ पे हो। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी उम्र कम होती है, जैसे हम लोग 18 साल, 19 साल, 20 साल ऐसे इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट की एज होती है। तो ऐसे में उनको समझ नहीं होती है, उनके दिमाग में आता कि मेरा दोस्त अगर IIT में जा रहा है या मेरा दोस्त कहीं से इंजीनियरिंग कर रहा है तो मेरे को भी इस साल एडमिशन लेना है, चाहे मुझे किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। आपके फ्रेंड ने तो अच्छी रैंक निकाल ली, वो तो अच्छा अच्छी जगह पे एडमिशन ले लिया, उसके 4 साल बाद जब वो पास आउट होगा तो उसके पास जॉब होगी, वो अच्छी जगह प्लेस्ड हो जाएगा। और आपकी कहानी क्या होगी जब आप किसी अनवांटेड कॉलेज में एडमिशन लोगे जहाँ से ना प्लेसमेंट सही है, ना फैकल्टी अच्छी है, सिर्फ बिल्डिंग का कलर अच्छा है। तो वहाँ से जब आप पास आउट होगे तो आपकी लाइफ कलरलेस हो जाएगी, ना आपके पास जॉब होगा, ना आपके पास कोई और बैकअप होगा, बहुत सारे इशूज होंगे। तो गाइज मेरा कहने का यही मतलब है कि प्राइवेट कॉलेज में जब भी आप एडमिशन लें तो एक बार ज़रूर देखें कि भाई प्लेसमेंट उसमेंट होता है कि नहीं, सिर्फ कि आप जा रहे हो रट्टा मारने के लिए। अब इंजीनियरिंग सेक्टर में सिर्फ रटने से काम नहीं चल जाएगा कि आप जा रहे हो रट्टा मार के पढ़ाई कर रहे हो, किसी तरह पास हो जा रहे हो या किसी तरह एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हो, उसके बाद फिर आप सोचो कि मतलब हम अच्छा करियर बना लेंगे इंजीनियरिंग में, बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। एक चीज़ और मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग ये कहते हैं अरे चलो प्राइवेट में नहीं होगा गवर्नमेंट में मैं जाऊँगा, मुझे प्लेसमेंट नहीं चाहिए, मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करूँगा। भाई जब आप सही से पढ़ोगे ही नहीं, जब वो 4 साल सही से पढ़ाई नहीं करोगे, प्रैक्टिकली चीज़ों को समझोगे नहीं, गवर्नमेंट में भी बहुत कंपटीशन है, IIT NIT वाले भी ये सोचते हैं। ठीक है, वो प्राइवेट जॉब के साथ आपको इतना टक्कर देंगे कि आप कहीं टिक नहीं पाओगे। ठीक है, तो मैं होपलेस नहीं कर रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन एग्जैक्टली जो प्रैक्टिकली चीज़ है वो आपके सामने रख रहा हूँ। तो सिनेरियो ऐसी होनी चाहिए जब भी आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए सोचो तो सबसे पहले जो टॉप के यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप के कॉलेज हैं जहाँ से प्लेसमेंट होता है और जहाँ का सिलेबस और करिकुलम अपडेटेड हो। बहुत सारी जगह ओल्ड सिलेबस ही चल रहा है, पुराने ज़माने के 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले का सिलेबस चल रहा, वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है जॉब न मिलने का, क्योंकि आप पुराना सिलेबस पढ़ोगे, नया ज़माना, नई टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप बहुत पीछे रह जाओगे। तो भाई जब ज़माना नया है, टेक्नोलॉजी नई है, तो करिकुलम भी अपडेटेड होना चाहिए। तो ये भी मेक श्योर करना पड़ेगा कि जिस भी इंजीनियरिंग कॉलेज में आप जा रहे हो वहाँ का करिकुलम अपडेटेड होना चाहिए, चीज़ें उस लेवल पर काम करनी चाहिए, तभी जाकर के आप आगे बढ़ पाओगे। अदरवाइज कैसे आपका करियर पूरी तरह से रिस्की है, पूरी तरह से आप अपने आप को रिस्क में डाल रहे हो, अपनी लाइफ को, वहाँ पर आपके पेरेंट्स की लाइफ समझ लिए रिस्क में, आप अपनी लाइफ रिस्क में डाल रहे हो, आपके साथ कई लोग जुड़े होंगे उनको आप प्रॉब्लम में डाल रहे हो। तो जो भी डिसीजन हो एडमिशन का, बहुत सोच समझ के ब्रांच चूज करना और इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना बहुत सेंसिटिव मैटर होता है। ठीक है, हमारी उम्र कम होती है, हम बहुत सारी चीज़ों पे भटकते रहते हैं, तो वो भटकने के साथ सही डिसीजन लेना ही बहुत ज़रूरी है। गाइज वीडियो में इतना ही, होप गाइज वीडियो आपको सही लगी होगी। और जो भी क्वेरी है, और भी प्रॉब्लम है कि इसका कैसे सॉल्यूशन लें, किस तरह से आगे लेकर के जाएं, तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन दिया, एक बार जा करके ज़रूर देखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।